मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रेडी शेडी होके कहाँ जा रही हूँ, तो मुझे खुद को नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ। पंकज के साथ जा रहे हैं हम कहीं घूमी घूमी करने, तो आज हम घूमी घूमी के लिए भी जा रहे हैं और साथ में शॉर्ट ऑफ पिकनिक भी है। तो ये है गुगू, से गुगू हाय। पंकज और पंकज के फ्रेंड आगे बैठे हैं, हम लोग सब लोग जा रहे हैं साथ में। पिकनिक भी होगा साथ में, क्योंकि हम लोगों ने अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। ब्रेकफास्ट बना के पैक कर लिया है और चिकन हम रास्ते में लेकर और वहीं उधर जाके लकड़ी पे चिकन बनाएंगे और राइस मैंने बनाया। हाँ जी, तो अभी हम पहुँचे हैं, ये जगह है रेत और शाहपुर के बीच। यहाँ पे हम लोग ये जूस पीने के लिए, मैंने जूस नहीं पीना, मैंने मना कर दिया है। मैं उसके बदले गन्ने खाऊंगी और मज़े लूँगी गन्ने खाने का। और ये भाभी जूस बना रही है। पंकज पंकज के फ्रेंड उधर जाके बैठे हुए हैं। गुग्गू जी गाड़ी में हैं, वो सो गए हैं, सुबह जल्दी उठा था। गुग्गू जी यहाँ सो रहे हैं, पूरा खेत है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पे। ब्यूटीफुल प्लेस जी। हम दरिनी पहुंचने वाले हैं, ये व्यू आप लोग देख सकते हो। नीचे वैली है, पूरी वैली है नीचे। हाँ जी, तो अब हम पहुंच चुके हैं वो वैली। आप ये वैली देख सकते हो, इसको बोलते हैं वो वैली। ब्यूटीफुल प्लेस। अब हम यहाँ पे रुके हैं, पंकज गाड़ी आगे लगाने के लिए ले गए हैं। वैली ब्यूटीफुल, वो वैली है ये। आप जब आए यहाँ पे घूमने के लिए हिमाचल, तो करेरी का रास्ता लेते हुए आप वो वैली देखते हुए निकल सकते हैं। ये है वो वैली और हम लोग अभी जा रहे हैं करेरी। रास्ते में ये वो वैली पे हम रुके हैं थोड़ा बहुत। अभी हम यहाँ पे खाना वाना खाएंगे, पूड़ी और आलू, जैसा मैंने बताया था मैं ब्रेकफास्ट में बना कर लेकर आई हूँ, तो वो अभी हम यहाँ पे खा लेंगे वो वैली पे ही। और करेरी जाकर हम वहीं पे कुकिंग करेंगे चिकन और लंच करेंगे। अभी लंच का टाइम हो चुका है, बट अभी हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो हम 3-4 बजे जब भी होगा ऐसा। ये है वो वैली, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये खट जा रहा है, उधर छोटे मोटे गांव बसे हुए हैं। ये है वैली। तो ये मैं सूखे आलू बनाया था, पूरी गुग्गू को यहाँ पंकज ने बिठा दिया। पंकज और उनके फ्रेंड थोड़ा सा उधर जा रहे हैं देखने दिखाने के लिए। और ये बैठा है अनीश, ये नीचे पूरा खाई है। ब्यूटीफुल प्लेस, करेरी का रास्ता लेके आप इधर आ सकते हैं। ये वो वैली है, यहाँ पे हम पूड़ी और आलू खाएंगे। ये मेरे आप आलू देख सकते हो, सूखे आलू बनाए हैं मैंने और पूड़ी। हेलो, छोटे मोटे गांव थोड़े थोड़े दूर पे दिख रहे हैं। वो वैली ब्यूटीफुल। बिल्कुल अनटच्ड है, रश बिल्कुल नहीं है, बहुत मज़ा आएगा, बिल्कुल नेचुरल व्यू है वो वैली। ये देखो हम लोग बिल्कुल वैली के ऊपर बैठे हैं, यहाँ से नीचे बिल्कुल खाई है, यहाँ बैठे हैं हम लोग।
हाँ जी, तो अब हम सल्ली पहुँचे हैं। वो वैली से निकले हम पूरी और आलू खाने के बाद, अब हम पहुँचे हैं सल्ली। छल्ली नहीं, सल्ली। सल्ली वैली, ब्यूटीफुल। अनिश थक गया। ये खड्ड बह रहा है सल्ली का, ये वैली, ये छोटा सा मार्केट लोकल लोगों के लिए। यहीं से पंकज और उनके फ्रेंड गए हैं चिकन लेने के लिए। अब हम यहाँ पर से चिकन लेकर जाएंगे और कहीं अच्छी जगह पर लकड़ी हम लेकर आए हैं साथ में। सुबह पंकज गए थे, इकट्ठा करके लेकर आए हैं, तो लकड़ी जोड़ के फिर हम चिकन बनाएंगे। पंकज लोग गए हैं चिकन लेने। सल्ली से थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमको पता चला कि करेरी का रास्ता बंद है, तो हम करेरी नहीं जा पाए क्योंकि रास्ता बंद है। तो हम यहीं पे झरने के पास में ही, यहाँ पे एक खड्ड बह रहा था, तो हम लोग यहीं पे गाड़ी पार्क करके रुक गए हैं। यहीं पे अब चिकन वगैरह बना के, खाना वाना खा के हम यहीं से निकल जाएंगे बिकॉज करेरी का रास्ता बंद है। ये सल्ली से थोड़ा सा आगे है ये जगह। हमें गाड़ी पार्क करने के लिए भी ढंग से जगह नहीं मिली थी तो हमने यहाँ पे लगाया। अब हम पैदल चल चल के जाएंगे वहाँ पे। वो जो भैया जा रहे हैं, ये भैया जा रहे हैं इस तरह से, पंकज जा रहे हैं अब सामान थोड़ा बहुत लेके। सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सामान ले लिया है। अब हम ऐसे पैदल चल कर खड्ड के पास जा रहे हैं। ये रास्ता है, यहाँ से पानी बह रहा है। पंकज ने गुगू को ले लिया है, अब वो ले जाएंगे। यहाँ रास्ता है, ये पानी को क्रॉस करते हुए हम वहाँ पे, रास्ता थोड़ा सा अजीब है। ये व्यू है, यहीं पे अब हम, पानी है ये, बस पानी। हम लोगों को ये एक पत्थर साफ सुथरा फ्लैट सा मिल गया है। अनिश कुकु पीछे, हम लोग वहाँ पे चिकन बनाने का सोच रहे हैं। गुगु पीछे, हमारा एक पोपट हो गया, हम चाकू लाना भूल गए, तो मैंने ऐसे करके जुगाड़ किया है कुछ। इस पे प्याज और अदरक लहसुन और हरी मिर्च ऐसे करूँगी। अनिश अपने नहाने में जा चुका है नहाने के लिए, और गुग्गू संतरा खाता हुआ। चलिए तो प्याज और अदरक लहसुन का जुगाड़ करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया प्याज लहसुन का बिना। प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च सब किया है। ये हमने चाकू टाइप से एक लेकर आए, इससे हमने उसको पीस सा लिया। ये टमाटर हमारा, गुग्गू वहाँ जाके बैठा है और पानी में इंजॉय कर रहा है। मैं दिखाती हूँ, हाँ अब हमारा चिकन कितने तक पहुँचा है। ये पहले हमने इसमें प्याज भूना, फिर अदरक लहसुन, अब चिकन भून रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हो, ये हमारा चिकन पक रहा है लकड़ी के ऊपर। हमने ये पत्थर वगैरह जोड़ कर, लकड़ी हम साथ में लेकर आए थे, वो सारा सुबह पंकज ने चुन लिया था, हम गाड़ी में रखे साथ में लेकर आए हैं। बाकी चूल्हा हमने पत्थरों को जोड़ कर बना लिया है, कढ़ाई वगैरह घर से लेकर आए थे। चिकन ये भून रहे हैं अच्छे से, भून कर ही हमारा 80% चिकन भूनने से ही पक जाएगा। फिर बस ग्रेवी लगाएंगे, मसाले भूनेंगे, ग्रेवी लगाएंगे, चिकन डन। राइस मैं घर से ही बना कर लेकर आई हूँ, सिर्फ चिकन बनाएंगे आज यहाँ पे। ये अब हमने इसमें टमाटर डाल दिया है, और टमाटर चूँकि हमारा मोटा मोटा है तो हम इसमें हल्का सा पानी डाल रहे हैं ताकि ये गल जाए। बिल्कुल नेचुरल तरीके से बना रहे हैं। घर पे अपन लोग कितना भूनते हैं, ऐसा करते वैसा करते, यहाँ पे ऐसा नहीं होता,
जब आप बाहर आते हो और ऐसे बॉन फायर करके चिकन पकाते हो तो ऐसा ही होता है, सच्चा पक्का सा, लेकिन बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें हमने मसाला सारा घर से ही बना कर मिक्स करके लेकर आए थे, तो ये सारा मसाला डाल दिया हमने साथ में, सारा भून कर लास्ट में पानी डाल देंगे। ये हमने नमक डाल दिया, मसाला डाला, फिर हमने नमक डाल दिया। नीचे से लकड़ी इतनी सूखी हुई है कि बहुत तेज आंच है। आग इतनी तेज है कि हम लोगों को पानी और ज्यादा डालना पड़ रहा है, हवा उधर से आ रही है, तो पंकज ने और पानी डाल दिया क्योंकि हमको ग्रेवी वाला बनाना है ये। तो हमारा चिकन बन चुका है और हम लोग ने खाना भी शुरू कर दिया। चिकन बहुत टेस्टी बना है, स्पून वगैरह का कोई झोल झाल नहीं है यार, हम लोगों ने हैंड से ही खाना शुरू कर दिया, बहुत टेस्टी बने हैं। गुगु ने पूरी खाया, पूरी और चिकन उसको पसंद था तो उसने पूरी खाया, हम लोग राइस और चिकन खा रहे हैं। अब शाम के बजे हैं 5:30, अब ये सनसेट हो चुका है पहाड़ के पीछे। यहाँ पे हमको बिल्कुल ही छाँव हो गई है, ठंडी हवा चलने लगी है, हम फटाफट खाना वाना का कर करा के पैकिंग स्टार्ट कर दिया है हमने। अनीश ही अपना खाना फिनिश कर रहा है, पंकज भी खाना फिनिश कर रहे हैं, बस अब हम पैकिंग करके जल्दी से निकलेंगे। हमारे यहाँ पे जा चुकी है इस पहाड़ के पीछे, सनसेट हो चुका है हमारे यहाँ पे इस पहाड़ के पीछे, सूरज चली गई है। वैसे तो उधर उधर आप देख सकते हैं धूप है पीछे की साइड। ये रही मैं, हम लोग रेडी हो चुके हैं। ये गुगू, गुगू आपको मज़ा आया पिकनिक पे? गुगू रेडी हो चुका है, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, हम लोग बस अब निकलने वाले हैं यहाँ से। अगर हम लोग करेरी तक जाते तो टोटल नट्टी से करेरी 100 किलोमीटर अप्रॉक्स होता है, अप डाउन दोनों, बट हम करेरी जा नहीं पाए एज आई सेड बिफोर कि करेरी का रास्ता ब्लॉक है, तो हमने यहीं पे सारा खा पका लिया। वो देख सकते हैं अनीश कहाँ खड़ा है और पंकज के फ्रेंड भी वहीं पे हैं। 2-3 लोग आ गए थे, उनसे उनके फ्रेंड बात करने लग गए, अनीश है वहीं पर। व्यू आप लोग देख सकते हो उधर, अच्छी खासी धूप है, हमारे यहाँ पे धूप जा चुकी है। यहाँ पे डैम है, ये यहाँ पे निंको डैम बोलते हैं इसको। ऊपर आप लोग देख सकते हैं वहाँ पाइप से पानी है ये निकल रहा, जो गिर रहा है ये पानी है, ये निंको डैम है यहाँ पे पाइपलाइन। आप लोग ये बर्फ़ वाला पहाड़ देख रहे होंगे, यहाँ पे लोकल एक बंदा हमको मिला, वो बता रहा है कि यहाँ से वो ट्रैक करवाते हुए ऊपर ले जाते हैं और यहाँ वाइट वाले पहाड़ के पीछे चंबा भरमौर निकलता है, लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं इसे पूरा। हाँ जी, तो हम अब पहुँचे हैं लाडी, ये एक लोकल बंदा हमको मिल गया, ये अपनी कुछ ज़मीनें हमको दिखा रहा है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ज़मीनें देखने आए हैं। बहुत प्यारा व्यू है, ये आप पहाड़ देख सकते हैं, बहुत प्यारा व्यू। ये जगह है लाडी, ऊपर लड़के क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, अब हम लोग ये जाने लगे हैं। इन लोगों का यहाँ पे काफ़ी सारा ज़मीन है हर जगह पे, तो ये अभी रोड कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये रोड अभी बन रहा है, आप देख सकते हैं पहाड़ के किस किस कोने में लोग जाकर बसे हुए हैं। वाला प्लॉट देख रहे थे, सारा ये सरसों लगाया इन्होंने, और मैं एक अमेजिंग बात आपको लोगों को बताती हूँ कि देखो सारे खेत में ऐसा कंकर पत्थर है और तभी इतना अच्छे से ग्रो किया हुआ है सरसों, प्यारा सा व्यू, इवनिंग व्यू है ये, ब्यूटीफुल कैक्टस देखो, कैक्टस
कितना बड़ा कैसा कैरेक्टर सही। हाँ जी, अब हम लोग वापस जाने लगे हैं, प्लॉट देख लिया, बैठ गए हैं अब गाड़ी के अंदर, अब हम लोग घर जाने लग गए हैं। बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक। हाँ जी व्यूअर्स, अब हम लोग घर अभी पहुँचे हैं, टाइम ऊपर आप देख सकते हैं 8:30 है, 8:30 हो गए हैं, हम लोग अब घर पहुँचे हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।